एक दलित और एक बहुत ही पिछड़ा हुआ जो है मेन स्ट्रीम राजनीति में अभी भी वो नहीं है, और ना ही यहाँ का अभी तक प्रधानमंत्री जो है दलित बन पाया है। जहाँ तक कि जो अमेरिका है उसमें काले लोगों का रिजर्वेशन किया गया है, काले लोग तो प्रधानमंत्री बन गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है कॉन्स्टिट्यूशन हमारा वाइब्रेंट है, इससे काफी उम्मीदें हैं। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव इस कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया जो पूरी हो रही है। इसके बहुत बुरे समय देखा, 70 सालों के सफे में ऐसा भी समय आया जब देश कर्फ्यू से गुजरा, सिविल वॉर के नजदीक गया, लेकिन उसके बावजूद भी देश ने सरवाइव किया और वाइब्रेंट रहा। और जो सपने अधूरे हैं, अभी बहुत सारे सपने इस संविधान के द्वारा जो है पूरे कर रहे हैं। और ये जो न्याय का, समानता का, बंधुत्व का जो सफर है वो पूरा होना है। और जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो सपना देखा है उसमें अभी भी न्याय जो सबको मिले अभी पूरा नहीं हुआ है। जो जस्टिस, जो इक्वलिटी, अभी मंत्री महोदय ने बताया कि समान शिक्षा, समान रहने का स्तर और जो समान स्वास्थ्य की सुविधा सबको मिले, अभी भी एक अधूरा सपना है। कुछ लोग इसमें कार्य कर रहे हैं, लेकिन ये अभी सपना पूरा करने की बहुत बड़ी जरूरत है। और ये जो न्याय की प्रक्रिया है, जो अमर्त्य सेन ने लिखी जो संविधान है, वो एक ऐसी छोटी सी कहानी है, मैं ज्यादा विस्तार नहीं करूंगा, समय कम है, कि एक बांसुरी है और उसमें 3 लोग लेना चाहते हैं उस बांसुरी को। एक का नाम राम है, एक का नाम मोहन है और एक का नाम कन्हैया है। राम जो है बांसुरी बजाना चाहता है, इसलिए कहता है कि ये बांसुरी मुझे मिलनी चाहिए। मोहन है, वो कहता है कि मुझे बांसुरी बनानी आती है, इसलिए बांसुरी मुझे मिलनी चाहिए। कन्हैया जो है, ना तो उसको बांसुरी बजानी आती है, ना वो खरीद सकता है, लेकिन उसके बावजूद वो बांसुरी चाहता है। अब हमारे संविधान में ये व्यवस्था की गई है, हमारे संविधान के अनुसार जो सुविधा है, जो परचेसिंग पावर है, किसको मिलनी चाहिए? राम को मिलनी चाहिए, मोहन को मिलनी चाहिए, कन्हैया को मिलनी चाहिए? आप बताइए, हमारे संविधान के अनुसार किसको मिलनी चाहिए? कन्हैया को मिलना चाहिए। इनके लिए जरा ताली बजाएं, क्योंकि जवाब यही है कि जो हमारे समाज में सबसे पिछड़ा है, दबाव है, कुचला है, उसको अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा स्वास्थ्य मिले, अच्छी सुविधाएं मिले, ये संविधान की परिकल्पना है। लेकिन न्याय जो है, अभी तक जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने देखा, अभी तक समाज के आखिरी छोर तक नहीं गया है। अब हम फ्रेटर्निटी की बात करते हैं, बंधुत्व की बात करते हैं, ब्रदरहुड की बात करते हैं। ब्रदरहुड का मतलब है जब सारे लोग एकता में रहेंगे। और जैसे मैंने बताया कि जब तक बहुजन समाज एक नहीं होगा, तब तक उन्हें न्याय नहीं मिल सकता है। हर एक बहुजन और अरे दलित कुछले शब्दों अलग अलग मंच पर है लोग, और ये अलग अलग मंच पर होने का क्या मतलब है कि उनका जो प्रतिनिधित्व तो है पूरे पावरफुल तरीके से राजनीतिक संदर्भ में पूरा नहीं हो पाया, उनकी कल्पना पूरी नहीं हो पाई। तो आज एक बहुत बड़ा चैलेंज है आपके सामने कि आप अलग अलग मंच से जुड़े हैं, अलग अलग दलों में हैं, तो कैसे जो है एक मंच पर, एक दल में, एक क्रांतिकारी योजना बनाकर इकट्ठा आप हो जाए, जिससे कि आपका प्रतिनिधित्व बढ़े और आपकी जो न्याय की परिकल्पना है जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दी है उसे पूरा किया जा सके। अभी जो है कल ही की बात है, जब राजपथ पे व्यक्ति जो निर्वस्त्र अपने 2 बच्चों के साथ घूम रहा था, और उसका कहना था कि भाई सरकारी कर्मचारी, उसको अभी तक जो भी सरकारी सुविधाएं, जो तनख्वाह है, जो उसके और PF है, बहुत सारी चीजें अभी तक उसको नहीं मिली है, तो उसको ये कदम उठाना पड़ा। तो बंधुत्व, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा फैसला लिया था 1992 में, जब मंडल कमीशन का मूवमेंट चल रहा था, 1992 की बात है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बंधुत्व जब भी पैदा होगा, जब सारे समूह बराबर होगा, सबके पास सारे संसाधन होंगे और सबकी जो है डिग्निटी प्रिजर्व की जाएगी। और आज वो जो सपना है दैट इज स्टिल डिस्टेंट ड्रीम। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक पूरा वर्ग संपूर्ण सुरक्षित और संसाधन संपन्न नहीं होता, तब तक रिजर्वेशन होना चाहिए और निरंतर होना चाहिए, और बराबरी जब तक नहीं होती है तब तक रिजर्वेशन खत्म नहीं होना चाहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ में
इस बात को आपके सामने रखूंगा कि एक जो जरूरी बात है कि हमारे सामने संविधान ने, हमारे आने वाले कई सरकारों ने हमारे लिए, बहुजन समाज के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन एक चैलेंज और चुनौती ये भी है कि आज हमें एक मानवता पर आधारित एक समाज बनाना है, जिसको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने देखा, एक मानवतावादी सोच और आइडियोलॉजी तैयार करनी है, और इसके लिए जो है जाति व्यवस्था संपूर्ण तरीके से खत्म होना चाहिए। अमेरिका की सरकार कानून लाई और उन्होंने गोरे और काले का नस्ल भेद संपूर्ण तरीके से खत्म किया। जर्मनी में ये कानून लाए और इमिग्रेशन और माइग्रेशन की जो डबल स्टैंडर्ड पॉलिसी सरकार की, उसको खत्म करें। हमारे भारत में जाति व्यवस्था है, इसको भी एक और कानून बनाकर संसद में लाया जाए और पूरी तरीके से जो है जाति व्यवस्था को इस दुनिया से, हमारे समाज से खत्म कर दिया। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम दूंगा, समय का अभाव है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।